हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत प्लॉट जो कि हैं सेक्टर 9 बाड़सा डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा। डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा का नाम ले रहा हूँ तो उसको ये मत ना समझना कि गुड़गांव से ज़्यादा दूरी पर रहेंगे, वो रहेंगे हमारा सेक्टर 102 जो गुड़गांव का पड़ता है द्वारका एक्सप्रेस वे, वहाँ से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस से। अगर मिनट में मैं दूरी की बात करता हूँ तो 15 से 20 मिनट की दूरी रहेगी। तो ये हमारा सेक्टर पड़ जाता है एम्स के पास में, सेक्टर 9, वहाँ से हमारी कनेक्टिविटी रहेगी पूरी इसकी प्लॉट की। और आसपास में एम्स है और दिल्ली का कुछ इलाका है जो नज़दीक में आ जाता है। तो झज्जर एम्स के साथ साथ में एम्स के वहाँ पे अपार्टमेंट भी बने हुए हैं जो ऑलरेडी ऑपरेशन हैं, जैसे कि अभी मैं द्वारका एक्सप्रेसवे से वीडियो दिखाऊंगा, आप उसमें देख सकते हो। और इसकी अगर दूसरी कनेक्टिविटी की बात करता हूँ तो दूसरी कनेक्टिविटी दिल्ली में जो नजफ़गढ़ पड़ता है वहाँ से रहेगी। नजफ़गढ़ बिल्कुल पास में ही आ जाएगा, जैसे कि मैं अभी आपको वीडियो में दिखाने तो नजफ़गढ़ बिल्कुल पास में ही आ जाता है। हमारी जो साइड है सेक्टर 9 बाड़सा, वहाँ से 5 मिनट ड्राइव पे DTC की बसें आती हैं तो वहाँ से आप कनेक्टिविटी ले सकते हो। अगर मैं यहाँ से एयरपोर्ट की बात करता हूँ तो एयरपोर्ट आ जाता है हमारा 35 किलोमीटर के डिस्टेंस से, और 30 से 35 किलोमीटर आप गूगल कर सकते हैं सेक्टर 9 बाड़सा और एयरपोर्ट टर्मिनल 3, तो वहाँ से आपको गूगल पे भी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्राइस है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है, आने वाले टाइम में इसका प्राइस जो है काफ़ी ग्रोथ करेगा। जैसे कि आपने न्यू गुड़गांव में देखा था या साउथ ऑफ गुड़गांव सोना के अंदर देखा था, एक चीज़ें कम बजट में थी और आज की डेट में जो है काफ़ी अच्छा प्लॉट का साइज आया हुआ। सेकेंडली ये तो दीनदयाल है, दीनदयाल में इतनी अच्छी पॉलिसी है या इतने अच्छे रूल रेगुलेशन होते हैं कि आप चारों फ्लोर बना के छोटे प्लॉट के चारों को सेल कर सकते हैं। तो ये प्लॉट का काफ़ी अच्छा मौका है आपको इन्वेस्ट करने का, दिल्ली के नज़दीक में, एम्स के नज़दीक में, और आने वाली जो फैसिलिटीज हैं मैक्सिमम उसके साथ में ये चीज़ें आ जाती हैं। 0% तो पोल्यूशन नहीं कहूँगा, पोल्यूशन लेवल भी काफ़ी कम आ जाता है और काफ़ी खुला हुआ इन्वायरमेंट आ जाता है, तो उसके साथ में बिल्कुल अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो एक बार आप विजिट करें फिर चीज़ें देखें, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं। एक बार आप विजिट करें तो आपको पता चल जाएगा क्या लोकेशन है, क्या फैसिलिटीज हैं। सेकेंडली आज की जो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 102, वहाँ से मैं आपको कनेक्टिविटी दिखाऊंगा कि आसपास में हमारे क्या कुछ पड़ता है रास्ते में, क्या कुछ कनेक्टिविटी है। तो आप बने रहना वीडियो में लास्ट तक, मैं पूरी ही जानकारी दूंगा आपको वीडियो में। अभी जो खड़े हैं वो खड़े हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 102 जो सर्कल बनता है सेक्टर 102 बसई विलेज और धनकोट विलेज के बीच में अपकमिंग, ये हमारा मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से अगर सीधे बात करते हैं तो सीधे चले जाते हैं सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन दिल्ली और एयरपोर्ट। यहाँ से लेफ्ट की अगर बात करते हैं तो लेफ्ट रास्ता चला जाता है ये बाड़सा प्लॉट एम्स के पास में। तो यहाँ से ही हमारी साइड विजिट स्टार्ट रहेगी आप आज की। और अगर यहाँ से मैं राइट बात करता हूँ मेरे राइट में, तो राइट में रास्ता चला जाता है यहाँ से बसई फ्लाईओवर को पार करते हुए पटोदी रोड और हीरोंडा चौक, हीरोंडा चौक से लेफ्ट लेते हैं तो हमारा राजीव चौक, सीधे जाते हैं सुभाष चौक और हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से सीधे जाते हैं तो सीधे पटोदी रोड को क्रॉस करते हुए NH8। तो ये हमारी कनेक्टिविटी रहेगी यहाँ से मेनली। ये आसपास का एलिवेशन है जो वीडियो में आप देख पा रहे हैं। यहाँ से अपनी साइड विजिट स्टार्ट करते हैं, अपकमिंग मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से केवल 20 मिनट ड्राइव से हमारी साइड रह जाती है। आइए करते हैं स्टार्ट। जैसे कि हम सेक्टर 102 द्वारका एक्सप्रेसवे से आते हैं टूवर्ड बाड़सा एम्स, तो हमारा ऑन द वे एक यूनिवर्सिटी पड़ती है, SGT यूनिवर्सिटी प्लस हॉस्पिटल, ये जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब यहाँ से ही सेम रोड पे
आगे चलते हैं हम, तो बीच बीच में क्या फैसिलिटीज मिलती है वो यहाँ से हम देखते चलते हैं। ये हमारा सेम रोड पे ही एम्स आ जाता है, बाड़सा एम्स, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, नियर गुरगांव, सेक्टर 102, द्वारका एक्सप्रेसवे। ये यहाँ पर एम्स है जो आप वीडियो में देख पा रहे हो। ये मेन रोड से सामने एम्स है, यहाँ से राइट हैंड पे यू टर्न लेके हम इस रास्ते पे आते हैं तो आगे जाके हमारे प्लॉट आ जाते हैं GLS दीनदयाल जन आवास योजना, सेक्टर 9, पाड़सा। और एम्स के अपोजिट में ही ये एम्स के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, बाय नेम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स NCI एम्स बाड़सा झज्जर, जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। ये इसके अपार्टमेंट हैं। अब यहाँ से चलते हैं अपनी साइट के ऊपर, सेक्टर 9, दीनदयाल जन आवास योजना प्लॉट। आइए अब चलते हैं साइट के ऊपर। भाई फाइनली अभी पहुंच चुके हैं हम अपनी साइट GLS सेक्टर 9 एम्स डिस्ट्रिक्ट झज्जर नियर सेक्टर 102 द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो यहां पे आसपास में अगर लैंड मार्क की बात करता हूं तो सामने ये एम्स के अपार्टमेंट है और इसी के साथ में एम्स है बिल्कुल इसके अपोजिट में, एक दूसरे के आमने सामने हैं। और ये हमारी लैंड रहेगी, अगर लैंड की मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो लैंड रहेगी ये यहाँ पे 18 एकड़, जिसमें कि अभी हाफ लॉन्च होगी, हाफ डिलीवर्ड कर देंगे उसके बाद हाफ लॉन्च होगी। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी साइट रहेगी। अगर यहाँ पे मैं प्लॉट साइज की बात करता हूँ तो प्लॉट साइज होंगे हमारे 111, 124 और 167 स्क्वायर यार्ड के। और यहाँ पे जो आसपास में आपको जगह दिखाई दे रही है ये न्यू झज्जर डेवलप एरिया है 1085 एकड़ में, जैसे कि गुड़गांव के साथ में सोहना बना था, नोएडा के साथ में ग्रेटर नोएडा बना था, उसी तरीके से ये पूरी साइट है। और यहाँ पे जो प्लॉटों के बीच बीच का रास्ता रहेगा वो 9-9 मीटर का रहेगा, 9-9 मीटर का वो रास्ता रहेगा। प्लॉट साइज मैंने बता ही दिए और लोकेशन झज्जर एम्स, जैसे कि आपको सामने वीडियो में एम्स दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये सामने एम्स है, एम्स के अपार्टमेंट के सामने ये एम्स है, ये एम्स अपार्टमेंट है। और यहाँ से नजफगढ़ DTC की भी बसें आती हैं, यहाँ से नहीं, थोड़ा लेफ्ट में जूम करके दिखाता हूँ आपको। सामने यहाँ से DTC की बसें आती हैं। तो ये थी हमारी पूरी साइट, काफ़ी अच्छे रेट हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी डील है। ये सामने बैरिगेट लगा हुआ है दिल्ली पुलिस का। तो ये पूरी हमारी लैंड है यहाँ पे, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और आसपास में 1085 एकड़ में
न्यू झज्जर बसने जा रहा है, जैसे कि ग्रेटर नोएडा और सोहना बसा है उस तरीके से। दिल्ली के नज़दीक में पोल्यूशन लेवल की बात करता हूँ तो पोल्यूशन लेवल यहाँ पे काफ़ी कम आ जाता है कंपेयर मैन गुड़गांव या दिल्ली। तो ये थी आज की हमारी साइड विजिट। तो इसका रेट की अगर मैं बात करता हूँ काफ़ी अच्छा रेट है। रेट के लिए आप मुझे कॉल करें, कौन सी यहाँ पे इन्वेंट्री अवेलेबल है, किस स्पेसिंग में अवेलेबल है, वो मैं पूरी ही डिटेल दूंगा आपको ऑन कॉल। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। लास्ट में इतना ही कहूँगा, जिन्होंने प्लॉट में इन्वेस्ट किया हुआ है, प्लॉट खरीदे हुए हैं, तो उसके कंपेरिजन अगर मैं कंपेयर कराता हूँ कुछ चीज़ों से, जैसे कि न्यू गुड़गांव सेक्टर 92 डीएलएफ के प्लॉट अब से 18 से 20 महीने पहले जो रेट होता था वो होता था 42 से 45 हज़ार रुपये पर गज, और प्लॉट साइज होता था यहाँ पे 240 से 550-600 गज तक, और इसका रेट 42 से 45 हज़ार रुपये पर गज। और आज का जो रेट है वो है 1,05,000 रुपये से 1,10,000 रुपये पर गज अगर आज आप ख़रीदते हो। सेकेंडली अगर मैं सोना में जाता हूँ, सोना में रेट होता था जैसे कि पिरामिड का उठा लेते हैं, पिरामिड दीनदयाल में आया था तो पिरामिड का रेट था लॉन्च पे 35,000 रुपये पर गज, और जो पिरामिड का आज का रेट है वो रेट आ जाता है 80 से 85 हज़ार रुपये पर गज के हिसाब से। ये चीज़ें मैं कंपेयर इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपने रेट पहला इनका देखा, और जो ये प्लॉट आए हुए सेक्टर 9 पाड़सा के अंदर अभी इनका कम प्राइस है, आने वाले 2 साल के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न देकर जाएंगे आपको, काफ़ी अच्छे प्राइस पे जाएंगे। तो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा मौका है, आप देरी ना करें, जल्दी ही साइट विजिट करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और उससे पहले जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, चैनल सनसाइन कंसल्टेंट के नाम से है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले मेरे माध्यम से, सनशाइन कंसल्टेंट के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।